students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, in last class, we have completed exercise 9.4. In this class, we are going to start exercise 9.5. Okay? जो 9.5 exercise है, आपकी average based है. Average क्या है? वो देखते हैं हम. Average is a number which gives us the central or middle value. Average एक ऐसा number है, जो हमें क्या देता है आंसर्स में सेंट्रल और मिडिल वैल्यू यानी बीच के एक वैल्यू देता है. और इसका फॉर्मूला क्या है देखेंगे एवरेज का. सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, जितनी भी हमें क्वांटिटीज गिवन है उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. अपॉन में मींस उसे किसे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज है उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. क्लियर? या हम और दूसरी तरीके से इसको कह सकते हैं टोटल ऑफ आइटम्स, आइटम्स जितने भी हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है और किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ आइटम से. ठीक है, तो हम दोनों ही फॉर्मूले लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है. आपका जो क्वेश्चन नंबर वन है फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको क्या गिवन है, आइटम्स गिवन है, उनकी आपको पहले टोटल फाइंड आउट करनी है, देन वी हैव टू फाइंड एवरेज. और साथ में एक चीज देखो कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी नंबर ऑफ आपको आइटम्स भी काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इट मीन्स जो हमारा ए पार्ट है उसमें कितने आइटम्स हैं, हमारे पास 6 आइटम्स हैं. तो ए को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने आए, 6. अब हमें इसकी टोटल फाइंड आउट करनी है. अब टोटल कैसे करेंगे, इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे. देखो 5 + 15 = 20, 20 + 35 = 55, 55 + 25 = 80, 80 + 45 हमारा बनेगा 125, 125 + 95 हमारा बनेगा 220. क्लियर? तो हमारी टोटल क्या है इसकी, 5 + 15 + 35 + 25 + 45 + 95. ठीक है, 220. एक बार हम चेक कर लेते हैं वंस प्लेस पे कितने हैं, देखो 5, 10, 15, 20, 25 और 30. 30 का 0, 3 आई हमारी कैरी, 9 और 4, 13, 13 और 2, 15 और 3, 18, 18 और 1, 19, और 3 हमारी जो कैरी थी 19 + 3, 22. तो हमारा 220 करेक्ट है आंसर. अब हमें क्या, हमारी टोटल तो आई 220. एवरेज कैसे करेंगे, एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 220 को किससे डिवाइड करना है, हमें 6 से डिवाइड करना है. तो हम देखो इसको डिवाइड करते हैं, 220 / 6, 6 3 = 18, 4 remainder 0, 6 6 = 36, अगेन 4 remainder. अब तो ये रिमाइंडर आ रहा है, या तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना होगा या हम क्या कर सकते हैं इसको डेसिमल में दे सकते हैं इसका आंसर. समटाइम्स क्या होता है कि डेसिमल में डिवाइड हमारा जाके फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. तो हम करके देखते हैं एक बार, डेसिमल पुट किया तो वी कैन पुट 0, है ना, 6 6 अगेन 36, ये चीज तो हमारी फिनिश ही नहीं हो रही, 4 अगेन आ रहा है, तो इट मींस ये डिवाइड 6 पे ही चलता रहेगा. तो हम इसको सिर्फ 2 डिजिट लिखकर छोड़ सकते हैं. तो हमारा क्या आंसर आया, 36.66. तो हम एवरेज में लिखेंगे 36.66. क्लियर? तो आपको क्या करना है, गिवन क्वांटिटीज को प्लस करना है, चाहे वो डेसिमल्स नंबर्स की हो तो आप प्लस कर लेना, यूनिट्स में गिवन हो, मीटर्स में गिवन हो, किलोमीटर्स में गिवन हो सपोज, तो सेम यूनिट्स होनी चाहिए. तो आप उन्हें ऐड करेंगे, जितनी क्वांटिटीज है उससे उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज से. क्लियर? इसके बाद हमारा सी पार्ट है, बी पार्ट आप खुद कर सकते हैं. सी पार्ट है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं. अगर हम फर्स्ट 5 प्राइम नंबर की बात करें तो हमारे पास नंबर है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, एक तो फर्स्ट नंबर है 2 + 3 + 5 + 7 + 11, यही है हमारे. तो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हमने, तो 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 11
क्या बनेगा 28, तो हमारी टोटल कितनी आएगी 28। अब क्या करना है हमने, अब 5 बोला है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे पास 5, 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको। देखो इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम, 28 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 5 25, 3 रिमाइंडर, डेसिमल पुट करेंगे तो 0 लग जाएगा, 5 6 30, तो हमारा 30 फिनिश हो गया है यहाँ पे, तो हमारा क्या आंसर आया 5.6। क्लियर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स पहले हम लिखेंगे, उन्हें प्लस करेंगे, हमारी उनकी टोटल आ रही थी 28 और उसको हमने किससे डिवाइड करना था 5 से। तो इसी तरीके से आपको जो इसका बी पार्ट है वो सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज। आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो मिसिंग एंट्रीज है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स अगेन नंबर ऑफ आइटम्स टोटल एवरेज, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था, तो ए पार्ट में सेम वही चीज थी सेकंड के जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में था, इसलिए आप उसे खुद करेंगे। बी और सी मैं आपको समझा रही हूँ। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स मिसिंग है, इस पार्ट में हमारे पास टोटल मिसिंग है, ठीक है। जब हमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालनी होती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या करते हैं हम लोग, टोटल को डिवाइड कर देते हैं एवरेज से, ठीक है, टोटल अपॉन में एवरेज, तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाते हैं। तो हमारा टोटल कितना है ए पार्ट के लिए, सॉरी बी पार्ट के लिए देखेंगे तो हम 300 अपॉन में 30, तो हमारा क्या आंसर आया 10, 30 10 300, तो हम यहाँ क्या आंसर लिखेंगे 10। क्लियर। सेकेंड, जब हमें गिवन होती है, आइटम्स गिवन है, टोटल फाइंड आउट करना है और एवरेज भी गिवन है, तब हमारे पास इसका देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, हमें टोटल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एवरेज के लिए एबीजी वर्ड यूज कर सकते हैं, एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज था 21, नंबर ऑफ आइटम्स भी 21 है, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो आएगा 441, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 441, ठीक है। जो इसका ए पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो आप उसे खुद सॉल्व करेंगे। आई होप यू गॉट ऑल द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्न टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज 9.5। थैंक यू स्टूडेंट।